जय माता दी। आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष 23 जुलाई 2020 दिन गुरुवार को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाएगा। हिंदी पंचांग के अनुसार हरियाली तीज हर वर्ष श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस दिन माता पार्वती का भगवान शिव से पुनर्मिलन हुआ था। आज के दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और माता पार्वती एवं भगवान शंकर की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करती है। आइए जानते हैं कि इस वर्ष हरियाली तीज का शुभ मुहूर्त क्या है। उससे पहले जो व्यूवर मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हरियाली तीज का शुभ मुहूर्त। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया का प्रारंभ 22 जुलाई 2020 दिन बुधवार को शाम 7:22 से हो रहा है, जो कि अगले दिन 23 जुलाई 2020 दिन गुरुवार को शाम 5:03 तक है। अभिजीत मुहूर्त 23 जुलाई को दोपहर 12:00 से 12:55 तक है। अमृत काल 23 जुलाई को दोपहर 3:29 से 4:49 तक है। 59 जिसको 59 बोलते हैं मिनट। विजय मुहूर्त 23 जुलाई को दोपहर 2:44 से 3:39 तक है। 23 जुलाई को राहु काल दोपहर 2:10 से 3:52 तक है। हालांकि शिव और पार्वती की पूजा में राहु काल का दोष नहीं माना जाता है। हरियाली तीज का पूजा मंत्र इस प्रकार है। देही सौभाग्य आरोग्य देही मैं परम सुखम, पुत्रन देही सौभाग्य देही स्रव कामाक्षा देही मैं, रूपम देही जयम देही यशो देही दोषो जही। आप स्क्रीन पे भी मंत्र को देख सकते हैं। इसका उच्चारण आप कीजिए, विधि में आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। हरियाली तीज की पूजा विधि इस प्रकार है। आज के दिन सुहागन महिलाएं व्रत रखती हैं और माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। आज के दिन सुहागन महिलाएं अपने स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर मायके से आए हुए कपड़े पहनती हैं। पूजा के शुभ मुहूर्त पर एक चौकी पर माता पार्वती और भगवान शिव तथा गणेश की प्रतिमा स्थापित कर आप उनका पूजन कीजिए। फिर पार्वती जी को 16 श्रृंगार की सामग्री, साड़ी, अक्षत, धूप, दीप, गंध आदि अर्पित कीजिए। फिर शिव जी को भांग, दतूरा, अक्षत, बेलपत्र, सफेद फूल, गंध, धूप, वस्त्र आदि चढ़ाएं। अंत में शिव जी की पूजा करें। इसके बाद हरियाली तीज की कथा सुने, फिर भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। जो पूर्णतः स्वच्छ हैं वो महिलाएं निराहार रहकर व्रत करें। जिनको कोई समस्या है या गर्भवती हैं वो फलाहार के साथ यह व्रत कर सकती हैं। और माँ पार्वती से जिनका विवाह नहीं हुआ है वह मनचाहे पति का आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं और जिनका विवाह हो चुका है वो अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त कर सकती हैं। खुश रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय माता दी।